रिस्पॉन्स मिला है कि इंशाल्लाह जो हमने जेन्युइन डिमांड रखी है अनंतनाग की, उसमें खास ये है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है उसको रहमत आलम शिफ्ट करना है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के लिए अलग से। एक अगर वो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है तो हमें एक अलग बिजबारा में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलना चाहिए, जरूरी है। हमारे दशनीपोरा के लिए एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर ग्रीन हब इंडस्ट्रियल एस्टेट मिलना चाहिए। उसके अलावा हमने लॉ कॉलेज अनंतनाग के लिए मांगा है, हमारे पास यहाँ लॉ कॉलेज नहीं है। कुछ ऐसे बाकी गवर्नर मंथली बात होनी बुझा सास रुपये मंथ यह गई फी मंथली वो हजार हजार रुपये तौर तौर रेस्पान गवर्नर सबन ठीक पे दून तुम ना वातन काकज गई उपये तुवा वातन मे दवंबर मे भर मे काकज मे फुट नुहन रेतन बो वन यी बाकी मे वे अंदर कन कह सह भर कागजी तो सह खोत गोरमेंटस बार वे अम मजीद जनाब अली अत पे गवर्नमेंट असन मतलब सास हो बढ़ा कम से कम त्रे सास ये त्रे वरी हथ गई प्रोटेस्ट कर म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग का काम हुआ है, चाहे उसमें ब्यूटिफिकेशन ऑफ टाउन हो, चाहे उसमें सब यहाँ की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है जो पिछले 70 सालों से नहीं हुआ, जो एक थर्ड टायर सिस्टम पंचायत का यहाँ लागू हुआ, हम बिल्कुल यहाँ के एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एक नए कश्मीर की आगाज़ की है। जो पूरा रोड जो है उसका हमने बोला है वो 1.5 किलोमीटर का है, पूरे अनंतनाग में, पूरे अनंतनाग में मेट्रोमाइजेशन हुई है। लेकिन उस सैदपुरा रोड की जो हमने बहुत बार बोला उसके लिए हमने बोला है कि उसका मेट्रोमाइजेशन क्यों नहीं हुआ, वो पिछड़े हुए लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए और वो रोड दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेटिस्फाइड है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, बाकी अल्लाह ताला की हाथ पर अपनी है, मुझे उम्मीद है ठीक हो जाए। क्या काफी अच्छा काम हुआ है, 290 करोड़ की प्रोजेक्ट इनॉग्रेशन और संघ बुनियाद रखी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे अनेक लोग जो लैंडलेस थे उन्हें भी करके उनके घर बनाने का रास्ता नए ढंग से प्रशस्त किया। विंटर प्रिपेयरनेस की भी समीक्षा की गई और ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने बहुत बेहतर काम किया।